हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे का बहुत ही स्पेशल चूड़ा। तो अगर आप कोई स्पेशल ओकेजन पर या दिवाली पर चूड़ा बना रहे हो मुरमुरे का, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वैसे तो चूड़ा हम 5 या 10 मिनट में बना सकते हैं मुरमुरे का, पर स्पेशल समय स्पेशल रेसिपी चाहिए। चूड़ा बनाने के लिए मैंने मोटे वाले मुरमुरे लिए है, उसी के साथ में इतना मसाला ले, दालिया, काला नमक, सादा नमक, धनिया, जीरा, शोप की पाउडर ली है, हल्दी ली है, कुटा हुआ लहसुन लिया है, और नींबू सत ले रही हूँ, प्याज ले रही हूँ, मूंगफली ली है, इसके बाद हींग लिया है। तो देखिए, हम सबसे पहले मुरमुरे में हल्दी और तेल लगा लेंगे। तेल और हल्दी लगाने से मुरमुरे सिकुड़ते नहीं है और चूड़ा परफेक्ट बनता है। अगर आप बारिश में बना रहे हो तब भी चूड़ा अच्छा बनेगा। तो हम सबसे पहले मुरमुरे को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है हमें और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक जैसा चलाना है, नहीं तो मुरमुरे नीचे चिटक सकते हैं। मुरमुरे मैंने फ्राई कर लिया है, मुरमुरे क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह मैंने सभी मुरमुरे को फ्राई कर लिया है। अब इसके लिए हम मसाला बनाते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हम मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। आधा कप मूंगफली में तेल में फ्राई कर रही हूँ। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें रोस्टेड चना दाल डालेंगे। इसे रोस्टेड चना दाल या दालिया भी कहते हैं, वो भी मैं आधा कप ले रही हूँ। अब इसे हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। करी पत्ते क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम प्याज ऐड करते हैं। प्याज मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहो तो एक दिन के धूप में आप इसे सुखा कर भी रख सकते हो, पर मैंने सुखाया नहीं है इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हो, जिससे कि प्याज कुरकुरे हो जाए। प्याज क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, मसाला मैंने बना लिया है। अब जो थोड़ा सा करी पत्ता है वो हम थोड़ा क्रश कर लेंगे और थोड़ा वैसे ही रहने देंगे। अब सभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें हम तीखा मसाला ऐड करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा तेल कम कर लेते हैं। मुरमुरे के चूड़े को बहुत ही कम तेल लगता है। अब इसके अंदर मैं कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन की मैंने 8 से 10 कलियां ली थी। अब इसे हमें अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। अब इसी के साथ में क्रश धनिया, जीरा और शोप डालूंगी। उससे पहले मैंने आधा चम्मच इसमें हींग डाला है। अब धनिया, जीरा, शोप ये मैंने दरदरा कूट लिया है। ये तीनों को मैंने एक एक चम्मच लेकर कूट लिया है। उसी के साथ में 1.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर आप आपके स्वादानुसार कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। हल्दी हमें कम ही लेना है, सिर्फ मसाले पुरता ही लेना है, क्योंकि हमने मुरमुरे में पहले से हल्दी ऐड की है। उसी के साथ मैंने पिसा हुआ नमक डाला है। पिसा हुआ नमक लगाने से अच्छे से सब तरफ से नमक लग जाता है मुरमुरे में। अब ये मसाले को हम इसमें मिला लेते हैं। मसालों को हम अच्छे से मुरमुरे मिक्स कर लेते हैं। अब उसी के साथ इसमें मैं नींबू सब डाल रही हूँ। नींबू सब मैंने 1/4 चम्मच से भी कम लिया है। काला नमक ले रही हूँ 1 चम्मच। अगर आपके पास नींबू सब ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हो 1 चम्मच।
इससे खट्टा टेस्ट आएगा चूड़े में और खट्टा मीठा चूड़ा बनेगा। चूड़ा मैंने सभी को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और लास्ट में इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ पिसी हुई। तो मुरमुरे का चूड़ा बनके हमारा तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चूड़ा कैसा बना है ये कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद वॉचिंग माई वीडियो।